नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की रेसिपी .com। आज हम देखेंगे फटाफट बनने वाली और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी वक्त हम खा सकते हैं। ये ओनियन उत्तप्पा टेस्टी है और फटाफट बनने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें डोसा बैटर। डोसा बैटर की रेसिपी तो मैंने बताई है, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं। अपने अगर 3 कप चावल, जो भी आपके घर में है, 3 कप चावल लिए है तो 1 कप उड़द दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप तुअर दाल लेनी है। और इसमें 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड डालने हैं और ये भिगोने 6 से 8 घंटे के लिए। फिर इसे पीसेंगे और इसका इसे बैटर रखेंगे आने के लिए। फिर ये फूल के आएगा, इसके हम डोसे बनाएंगे। और ओनियन उत्तप्पा के लिए चाहिए हमें फाइनली चॉप ओनियन, फाइनली चॉप टमाटर, फाइनली चॉप कोरिएंडर, सॉल्ट और फाइनली चॉप ग्रीन चिली। ग्रीन चिली ऑप्शनल है अगर आप चाहिए तो, नहीं तो ना चाहे तो भी आप चल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा टेस्टी होता है इसलिए ग्रीन चिली ले लूँगी। आइए बनाते हैं आप ओनियन उत्तप्पा। ओनियन उत्तप्पा का ये जो बैटर है, इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमने डोसा पैन गरम करने के लिए रखा है, स्लो गैस करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम पानी। और पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये जो गरम हुआ है पैन वो ठंडा हो जाए। और इसके ऊपर डालेंगे हम डोसा बैटर। पतला नहीं बनाना है हमें, इसी तरह बनाएंगे। सिर्फ 6 इंच का है ये, गैस मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम ओनियन। फाइनली चॉप टमाटर, टमाटो भी ऑप्शनल है अगर आप चाहे तो, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये। ग्रीन चिली लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये जो टमाटर है इसे लग जाए। और कोरिएंडर, ऑयल है साइड से छोड़ेंगे। इसे पलट लेंगे हम। तैयार है हमारा ओनियन उत्तप्पा। तैयार है हमारा ओनियन उत्तप्पा विद कोकोनट चटनी। इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, आपको भी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिए घर में आप। और मेरे और भी रेसिपी देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।